भारत नेपाल सीमा पर स्थित सिद्धार्थनगर जिला हर वर्ष बाढ़ की तबाही झेलता है। नेपाल से आने वाली छोटी बड़ी नदियां और नाले पहाड़ों पर होने वाली बारिश की वजह से पूरी तरह उफान पर हो जाते हैं। इन छोटी बड़ी नदियों से जिले में बाढ़ से भारी तबाही होती है। बाढ़ की इससे बचाव के लिए जिला प्रशासन हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की हालत जस की तस बनी रहती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बांधों के निर्माण और बचाव के लिए बनाए गए ठोकरों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इस बार भी प्रशासन बाढ़ की तैयारियों के बड़े बड़े दावे कर रहा है। सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपदों में से एक भारत नेपाल सीमा पर स्थित तराई जिला है। इस जिले का प्रमुख व्यवसाय कृषि और सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। सिद्धार्थनगर जिले से 5 नदियां राप्ती, बूढ़ी राप्ती, पूड़ा, घोंघी और बाढ़ गंगा गुजरती है। इन नदियों से बाढ़ प्रभावित गांव और हजारों हेक्टेयर फसल के बचाव के लिए बनाए गए बांधों की मरम्मत के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इस वर्ष भी इन पर बचाव और मरम्मत के नाम पर काफी बड़ी रकम खर्च की गई है। राप्ती नदी पर स्थित रीवा नानकार गांव से सटे हो रहे इस कटान को रोकने के लिए ठोकर बनाया गया है। गांव के आसपास नदी के मोड़ पर बने करीब 500 मीटर इस ठोकर पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। बनाए गए इस अस्थायी ठोकर के निर्माण में कितनी अनियमितता बरती गई है यह आपके सामने है। ठोकर के बनाने में लगी मिट्टी से भरी बोरियां अभी से ही फट गई हैं और उसमें भारी मिट्टी बाहर निकल गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस तरह ठोकर बनना चाहिए उन मानकों की अनदेखी करके इन ठोकरों को बनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार भी अगर बाढ़ आती है तो इन ठोकरों से उनके गांव का बचाव होना असंभव है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुछ घर को बाढ़ लील जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर वास्तव में सरकार और जिला प्रशासन यह चाहता है कि उनके गांव के लोगों को बाढ़ की कटान से निजात मिल जाए तो उन्हें अस्थायी ठोकरों की जगह स्थायी ठोकरों का निर्माण करना चाहिए। मिट्टी से भरी बोरियों को लगातार कटान को नहीं रोका जा सकता। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार उनके इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करे। विराट 24 के लिए सिद्धार्थनगर से नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। बहुत भारी समस्या हो जाला रहे के नहीं उतुरा तो पानी नहीं मिला, बाजार नहीं होला, साग सब्जी कुल दिक्कत हो जाला। पानी जब कुल और भर जाला तो कहाँ जाए हल के आने। अच्छा, ये बाढ़ वाली समस्या कब से हो है आपको कुछ याद है? कब से आपके? जब से हमारे यहाँ तब से हम उनके घर गिर गए, व्यापार हो गई। अब व्यापारी दूसरा घर बनावल गई, अब देखा जाए यो मकान ढह गई। दा आती हैं तो हम लोग के घर में घुस जाता है, तो घर में जब घुस देता हम रहने के लिए हम लोग के अपार्थ हो जाता है। पानी लिए दिक्कत हो जाता है, पशु लिए दिक्कत हो जाता है, भूसा के लिए दिक्कत हो जाता है। हमन के निकले के नहीं रास्ता है सर, इसीलिए कि कहूँ ऊँचे स्थान पर हम लोग जब पाते हैं तो पंवर के डब्बा बांध के अनाई तो बोटा बांध के कभी नाव मिल जाता है तो ना सहारा हम लोग न ये जो हौदी उदी पर धह करके अपना भूसा पशु लिए जिया खिया लिए इसलिए हम निकल के पंवर के पशु के खिलाते हैं। बाढ़ की जो दिक्कत है ये कितने सालों से आप इसको? सर बहुत जमाना हो गया, ये दादा बाबा का जमाना हो गया, ठोकर नहीं लगा। ये राप्ती नदी है, बाढ़ जब आती है हम लोगों के गांव में तो पानी घुस जाता है, काफ़ी परेशानी होती है, लोगों को आयात निर्यात करने में बहुत दिक्कत होती है, लोग यहाँ तक कि घर से निकलने के लिए भी मुश्किल हो जाता है उन लोगों को। और उन लोगों को कहीं जाना होता है तो एक नाव का सहारा लेके लोग जाते हैं। देखिए ऐसे तो बूढ़ी राप्ती ने काफ़ी खेतों की क्षति हो गई और गांव का भी हर साल एक दो घर तो गिर ही जाता है। 1984 बड़ी बाढ़ आई थी तो हम लोग का घर गया, तीसरा नंबर घर बांध पे बन रहा, इसके लिए हम लोग परेशान हैं। मतलब हर साल आपके यहाँ बाढ़ आती है और हर साल कुछ नुकसान होता है? हर साल आती है, हर साल नुकसान होता है, हर साल नुकसान होता है। ये सब जो सरकार जो काम करती है, मतलब कहती है कि हम ठोकर मतलब बाढ़ से कम नुकसान हो सारी चीज़ों, अभी आपके गांव में इधर देखिए बंदे पे काम हो रहा है ना, तो आपको क्या लगता है कि ये जो काम हो रहा है ये ठीक है, इससे बाढ़ रुक जाएगा हर साल ऐसे? इससे तो रुकेगा नहीं बाढ़। सिद्धार्थनगर में जैसा अवगत है कि ज़्यादा पानी आता है नेपाल के क्षेत्र से, जो तराई वाला रीजन है उसमें पानी काफ़ी आता है, तो यहाँ इन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती है। परंतु इस दिशा में जो जिला प्रशासन ने पर्याप्त तैयारी की है, जो हमारी 3 प्रमुख नदियां हैं राप्ती, बूढ़ी राप्ती और बाणगंगा, सब जो जहाँ जहाँ हमारे तटबंध हैं तटबंधों को मजबूत कर लिया गया है। और इस पे जो है जैसे बारिश स्टार्ट होती है या पानी आने लगता है तो हम लोग चौकसी जो है उसको और बढ़ा देंगे, कहीं कोई इसके कटान ना हो।
बहुत सारे जगह पे जो है मनरेगा से भी कार्य कराए गए हैं ताकि जो अस्थायी रूप से उसको रोका जा सके, बाढ़ को, बाढ़ के जो तबाही है उसको रोका जा सके। और इस संबंध में हम लोग लगातार प्रयत्नरत हैं कि कोई समस्या ना हो। बाढ़ का पानी ज़्यादा दिनों तक कहीं टिके नहीं, तो हमारे नाले इत्यादि जो हैं सभी साफ़ कराए गए हैं। और इस एक हम लोग आपदा का कंट्रोल रूम है उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि 24 घंटे जो है वो कोई भी हमें सूचना दे सके इस संबंध में। इस बार जो हमारे पास टोटल 12 जगह थे जो तटबंधों के निर्माण के लिए कार्य आए थे, तो 12 का निर्माण जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है और वो उसका निरीक्षण हम लोगों ने कर लिया है। सर, इस वर्ष बाढ़ बचाव और तटबंधों की मरम्मत में सर कितने रुपए विभाग द्वारा खर्च किए गए हैं और प्रमुख कार्यक्रम कौन से हैं? अब भाई फिलहाल तो मैं रुपयों के बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अभी सामने डेटा नहीं है, लेकिन जो जो प्रपोजल गए थे सभी के सभी तैयार हो गए थे और सभी से स्वीकृत हुए थे, उस पर काम हो गया। सर, कल हम रीवा नाथगार गए थे सर, वहाँ जो बाढ़ बचाव से बाकी बोरियाँ लगाई हैं छोकर सर, वो बिना बारिश के अभी से सर पड़ गए हैं, तो सर ऐसे में सर बाढ़ से कहाँ बच पाएगा? नहीं, उसको हम लोग दिखवाएंगे। क्या इस साल काम कराया गया था अथवा पिछले साल काम कराया गया था मुझे नहीं मालूम है, वो अस्थायी रूप से ही करते हैं, तो कुछ शिकायतें आई है उसके संबंध में एक हम एक कमेटी के भी गठन कर रहे हैं और उस कमेटी के माध्यम से जांच किया जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि स्लोप फेल्योर होने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि जैसे स्लोप पर जो लोड पड़ता है उसके कारण से स्लोप फेल होता है, तो वो भी चेक करेंगे। और जो जिसकी शिकायत आ रही है वो अस्थायी रूप से ही काम किए गए थे, तो उसको हम लोग चेक करा लेते हैं।